आपकी है ना, देखो तुम्हारे वहां करें जी अपील, देख मां साहब सारा की पिताजी के नाम की सर आप प्रबंधक हैं, तो 4 महीने पहले अप्लाई किए होंगे तो पूरा फॉर्म भरे होंगे ना, कैसे गलत हो गया है? सर मेरा फॉर्म देखिए, फॉर्म एसडीएम ऑफिस चला जाता है ना, साइन वहाँ से नहीं, फॉर्म सब शो होता है, हमें पता है सब नंबर शो हो जाते हैं, इसलिए तो निकाल के लाए हैं। ठीक है, और इसकी पता है ओरिजिनल जो दिक्कत है उसमें आएगी, तो दिक्कत तो यही है ना सर। क्या दिक्कत? ये देख नाम बस सही है, ओरिजिनल जाके लेके तो आओ जहाँ से, और जो भी दिक्कत हम सुना पाएंगे पूरी इसमें वो सारा सुना जाएगा जो भी करना। अच्छा ये आप जो जाति प्रमाण पत्र बनवाए इसमें क्या क्या दर्ज नहीं किए हैं? तो इससे आपका प्रोफाइल बन जाएगा स्कूल में बिना समग्र के? नहीं बनता। तो किसी को आप बोल रहे हैं तो कुछ नहीं बता रहा है? नहीं क्या समस्या सर इसमें? सर इसमें जो जाति प्रमाण पत्र की आवेदन किया था मैंने 3 महीने 4 महीने हुए सर अभी, तो अभी सर मिला इसका, तो इसमें पिताजी का नाम गलत, माताजी का नाम गलत, मेरा पूरा पता गलत ना, इसमें आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नंबर दर्ज नहीं है, और समग्र आईडी दर्ज नहीं है, मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, जबकि मैं पूरे दस्तावेज जमा किए। अच्छे प्रबंधक जो सोनी जी क्या बोलते हैं? प्रबंधक से बात किया तो उन्होंने बोल रहे हैं कि ये इसका दोबारा आप अप्लाई करिए। अच्छा। फिर से अप्लाई किए, फिर से अप्लाई करूँगा तो फिर वही गलती करेंगे। सर इसमें मैं कल आया था जाति प्रमाण पत्र के डॉक्यूमेंट लेके, हाँ तो जमा तो कर लिया गया, हाँ कच्ची रसीद दी गई, आज के लिए बोला गया था पक्की रसीद दी जाएगी, हाँ नेट वाला, हाँ वो आज भी नहीं दिया गया, 3-4 दिन के बाद आना ऐसा बोला गया। आर्थिक तो 27 मई को आप अप्लाई किए थे, कितने पहली बार आए हो लेने के लिए, एक आध बार और आए हो अभी इसमें पता करने के लिए? अभी दिए हैं, 3 बार हो गया आपको आते हैं, और ये पूरा नहीं बना है अभी, इसमें आपको समग्र आईडी नहीं है, समग्र आईडी इसके बिना काम नहीं चलेगा आप लोगों का?